नमस्कार इंडिया में जो आपका स्वागत है ब्रेकिंग बलिया। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बाजडी रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा आम घाट गाँव के प्रधान जयराम सिंह कोरोना वायरस पर दिल्ली मस्जिद में जो हुआ उसके बारे में जोरदार बोलते हुए दिखाई दिए। मैं जयराम सिंह ग्राम पंचायत आम घाट का प्रधान हूँ। आप ग्राम सभा में विदेश से कोई आया है क्या? विदेश से हमारे गांव में कोई नहीं आया है। अन्य राज्यों में बॉम्बे से एक दो लोग आए थे, नोएडा से एक दो लोग आए थे जिनका जांच हुआ है और वो लोग ठीक ठाक हैं। रोजमर्रा की जिंदगी कितने लोग आप विधान सभा में? रोज कमाने खाने वाले करीब 200-300 लोग होंगे, 250। इनकी जीविका कैसे चल रही है? उनकी जीविका चल रही है, हर महीने राशन की दुकान से अनाज मिलता है और पहले से भी लोग अपना रोजगारी करके कुछ खेती गृहस्थी करके रखे हैं जो खा रहे हैं। और मेरे तरफ से भी छूट है कि अगर जो किसी को कोई कमी आवे तो हमारे यहाँ सूचित करें और ले जाएं। जी जी, हमारे जानना चाहते हैं। लेकिन अभी तो मुश्किल से 10 दिन हो रहे हैं तो इसमें किसी को कोई कमी नहीं आई है और सही सलामत सुचारू रूप से चल रहा है। और कमी की बात है तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घरों में भरा हुआ है, फिर भी उनसे पूछा जाए तो वो लोग कहेंगे कि मेरे पास नहीं है। तो ऐसे लोगों का तो पेट कभी नहीं भरेगा। जी प्रधान जी, हम आपसे जानना चाहते हैं जिस तरह से पूरा डिस्ट्रिक्ट चल रहा था कोरोना वायरस को लेकर, अचानक जो दिल्ली में कांड घटा उसी जगह पर पूरा देश हिल गया, उसको लेकर कई जगह भगे, विसर्जन हो गया, कई जगह फैला दी। ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये लोग एक प्लानिंग के तहत चल रहे हैं और भारतीय भाईचारे की जो एक विचार सिद्धांत रहा है भारत का, उसको ये नष्ट-नबूद करना चाह रहे हैं। ये तो अब की बार दिखाई दिया, इसके पहले भी हर अवसर पे ये लोग ये करते रहे। अब की बात तो इन लोगों ने जो किया है वहां पे दिल्ली में, इन लोगों ये देखने के बाद तो ये लगता है कि ये लोग चाह रहे थे कि पूरी भारत में कोरोना फैल जाए ताकि भारत तबाह हो जाए और मोदी जी बदनाम हो जाए। लेकिन हमारे भारत की जनता बहुत सौभाग्यशाली है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, और उत्तर प्रदेश की जनता सौभाग्यशाली है कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री पाई है। हमें बहुत गर्व है और इन लोगों को देखते हुए हम लोग भी अपनी पूरी क्षमता से बाहर होकर के भी वर्क कर रहे हैं। जी, जैसे मोदी जी सम्मानित किया, उन्होंने कहा रहा था कहे भाई 5 तारीख को मोमबत्ती टार्च बार कर 9 मिनट दे 9 बजे पहुंच, तो कुछ लोगों का कमेंट आना शुरू हो गया, ये बहकावा है, ये तमाम तरह के फेसबुक में सोशल मीडिया तमाम तरह के बहकावा शुरू कर दिए। सुरेंद्र जी, आजकल टीवी पर रामायण आ रहा है, रामायण के हर पात्र को देख करके आंखों से आंसू आने लगता है। राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किया है और भारत ने जो प्रेम प्रस्तुत किया है, यह हमको लगता है कि प्रेम और आदर्श की पराकाष्ठा ये लोग पार कर गए हैं। तो इन लोगों के भी आलोचक हैं, तो मोदी जी और योगी जी के अगर जो आलोचक हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे देश में हमेशा गद्दार रहे हैं और मुझे विश्वास है कि ये रहेंगे, समाप्त भी होने वाले नहीं है। जैसे कि रवीश कुमार का मैंने ट्वीट देखा तो हमको लगता है कि रवीश कुमार इसीलिए पैदा हुए हैं कि भारत की संप्रभुसत्ता को बर्बाद कर दें। लेकिन भारत की जनता भी बहुत सहनशील है,
नहीं तो दूसरे देशों में होते रवीश कुमार तो इनको लोग ना फांसी मारते ना गोली मारते, इनको ढेलाबाजी करके और मार डालते, क्योंकि ऐसे गद्दार को इस देश में बोलना तो दूर है, रहने का भी अधिकार नहीं है। और रवीश कुमार जैसा भी बहुत तेरे लोग हैं। आज अगर जो भारत में होता यह कोरोना का वायरस तो हम सब भारतवासी जो चाहे सो कहते लोग मान लेते, लेकिन यह विपदा जो है पूरे विश्व पर आई है, पूरे दुनिया में आई है, तो पूरी दुनिया को देखते हुए हमें लगता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो औरों से अच्छा है और बचा हुआ है। इसका मूल कारण और इसका मूल योगदान हम मोदी जी को दे रहे हैं, जिनके संरक्षण में हमारा देश सुरक्षित है। तो पूरी दुनिया को देखते हुए भी अभी हमारे देश में मोदी जी का कोई आलोचना कर रहा है, उनके ऊपर टिप्पणी कर रहा है, तो उन लोगों के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है जो इन लोगों के बारे में मैं कह सकता हूं। हम तो ये कहेंगे कि ऐसे कमीनों के ऊपर आप लोग भी चर्चा करके और समय बर्बाद न करें, ये देशद्रोही से भी ऊपर हैं। इसमें कुछ हमारी भारतीय जनता का भी कुछ कमी है। अगर जो भारत की जनता ऐसी नहीं होती तो ऐसे गंदे लोग उत्पन्न नहीं होते। सरासर सारे लोग मिल करके इन लोगों का विरोध करते, खोज खोज करके मारते, तो ऐसे लोग लुप्त हो जाते। लेकिन इसमें हम लोगों का भी योगदान है कि बोलने वाला चाहे जो इच्छा हो बोल रहा है और हम कानों से सुन रहे हैं, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। देश हमारा बहुत संकट की दौर से गुजर रहा है। हमें मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मोदी जी के वजह से ही हम आज बचे हुए हैं। अब भविष्य देखिए क्या हो रहा है। अभी तक तो उम्मीद यही है कि हम लोग सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। कुछ लोग जो कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो भी ठीक है, कर रहे हैं, करें, लेकिन उन लोगों का सुन करके बहुत कष्ट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।